नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। प्रदेश स्तर पर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ बैंगलोर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। विदिशा के नीमताल गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर गिरफ्तार हुए वरिष्ठ नेताओं को रिहा करने और भाजपा द्वारा बंधक बनाए गए 16 कांग्रेस विधायकों को भी रिहा करने की मांग की। विदिशा में कांग्रेस ने अनुमति लेकर धरना दिया, लेकिन तय संख्या से ज्यादा 4 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसे लेकर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था या सरकार कांग्रेस की होने के कारण सिर्फ भीड़ को दरकिनार कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज भारत सरकार, भारत में जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या का जो षड्यंत्र मध्य प्रदेश के अंदर रचा गया है, हमारे 22 कर्मठ विधायकों का अपहरण कर उनको बंदी बनाया गया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, उनको जबरिया गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेस जन आज भारतीय जनता पार्टी की सद्बुद्धि के लिए और हमसे जो पिछड़े साथी हैं, जो चले गए हैं, उनकी वापसी के लिए और लोक मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए हम सभी कांग्रेस जन यहाँ गांधी जी की शरण में धरने पर बैठे हैं। आशा करते हैं कि भारत की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपनी हठधर्मिता छोड़ेगी और भारत और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करें। हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।